हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवीना बोराना। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपके इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेंटेंस, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में काफी डिटेल बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस क्या होता है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सो प्लीज आप डायरेक्टली ये वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये पार्ट समझ आएगा। So today's topic is elements or parts of a sentence. So what are sentence? Sentence are the group of words which make a complete sense are called sentence. Sentence जो है, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, कि group of words होते हैं जो particular order में arrange होते हैं, जिसका एक meaning निकले उसे हम sentence कहते हैं। So जो sentence होते हैं उसके different different parts होते हैं, elements or part of sentence. So the sentence is divided into two parts. Sentence is divided into two parts. जो sentence है उसके दो parts होते हैं, subject and predicate. The first part is subject and the second part is predicate. तो आपको याद रखना है अच्छे से कि the first part is subject and second part is predicate. Okay, sentence has two parts. The first is subject and the second is predicate. The subject tells us what the sentence is about and the predicate in a sentence give us information about the subject or something that is said about the subject. तो क्या होता है subject? Sentence में जिसके बारे में बात होती है, ठीक है, बहुत ही simple language में मैं बता रही हूँ आपको। Subject क्या होता है? Sentence में जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि आपके बुक में लिखा है, द सब्जेक्ट टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट एंड द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस गिव इंफॉर्मेशन। यानी क्या मतलब है इसका? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, और सेंटेंस में बाकी जो बात हो रही होती है सब्जेक्ट के बारे में उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आगे एग्जाम्पल भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर वाले एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जैसे कि अरुण लव्स वॉचिंग मूवीज। ठीक है, अरुण लव्स वॉचिंग मूवीज। अरुण क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? अरुण के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स अरुण आपका क्या है? अरुण आपका सब्जेक्ट है। क्या बात हो रही है? कि लव्स वॉचिंग मूवी, उसे मूवी देखना बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, क्लियर है? सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज अमित एट बनानास। अमित एट बनानास। द सेकंड वन इज नेहा स्विच ऑन द लाइट। द थर्ड इज माया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। रुचि एंड प्रियंका वेंट टू वॉच अ प्ले। द लिटिल गर्ल डांस ब्यूटिफुली। अशोक वॉज अ जीनियस किंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो जैसा मैंने बताया कि सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है दैट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और जो भी बात हो रही होती है सब्जेक्ट के बारे में दैट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। So, आपको यहाँ पे जितने भी पिंक वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी पिंक हाइलाइटेड वर्ड दिख रहे हैं, अमित, नेहा, माया, रुचि एंड प्रियंका, द लिटिल गर्ल अशोक, ठीक है, तो ये जितने भी पिंक वर्ड है ये सारे आपके हैं सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। जितने भी पिंक वर्ड है ये आपके क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? बिकॉज बात किसके बारे में हो रही है? इनके बारे में। अमित एंड बनाना, बनाना कौन खाता है? अमित। तो अमित क्या है? आपका सब्जेक्ट। नेहा ने क्या किया? लाइट को ऑन किया। तो बात किसके बारे में हो रही है? नेहा के बारे में। किसने किया? नेहा। तो नेहा इज व्हाट? नेहा इज सब्जेक्ट।
माया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। माया जो है वो बस स्टॉप पे वेट कर रही है। कौन वेट कर रहा है? माया। तो माया आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। रुचि एंड प्रियंका वेंट टू वॉच अ प्ले। रुचि और प्रियंका जो है प्ले देखने गए थे। तो बात किसके बारे में हो रही है? रुचि और प्रियंका के बारे में। तो ये हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट एंड द लिटिल गर्ल डांस ब्यूटीफुली। ठीक है, बात किसके बारे में हो रही है? लिटिल गर्ल के बारे में। तो लिटिल गर्ल क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज अशोक वॉज अ जीनियस किंग। बात किसके बारे में हो रही है? अशोक के बारे में हो रही है। तो अशोक क्या हो जाएगा? अशोक आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। सो इन द अबव सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस टॉक्स अबाउट अमित। फर्स्ट सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? अमित के बारे में, जो कि बनाना खाता है। इसलिए आपका अमित जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इन द सेम वे नेहा, माया, रुचि, प्रियंका, लिटिल गर्ल और अशोक, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? बिकॉज बात किसके बारे में हो रही है? इन्हीं के बारे में हो रही है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट? अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहां से समझना है कि सब्जेक्ट जो है हमेशा एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में एक वर्ड का ही सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट है वो एक या एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। जैसे देखिए, आपका अमित वन वर्ड था, नेहा वन वर्ड था, माया वन वर्ड, बट रुचि और प्रियंका में दो लोग आ गए हैं और लिटिल गर्ल में देखिए तीन वर्ड आ गए हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट? अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सैड इन अ सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से अब तो समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके बारे में, अबाउट विच समथिंग इज सैड, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ ना कुछ बताया गया हो, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। इट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन, क्या मतलब है इसका? कि जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन भी हो सकता है और वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है। व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, एनिमल का नाम है, थिंग, तो वो भी आपका नाउन कहलाएगा। और अगर नाउन की जगह पे हम अगर प्रोनाउन वर्ड यूज करें, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली नाउन फॉर्म में भी हो सकता है और प्रोनाउन फॉर्म में भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड द वर्ड इन ब्लू कलर, ठीक है, यानी इन्ही एग्जाम्पल में आपको जो ब्लू वर्ड्स दे रखे हैं, लाइक एड बनानास, ठीक है, एड बनानास, स्विच ऑन द लाइट, इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, वेंट टू वॉच अ प्ले, डांस ब्यूटिफुली एंड अ जीनियस किंग। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है? ये सारी जो सब्जेक्ट के बारे में बात बताई गई है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या हो रहा है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये सारे जो ब्लू पार्ट है ये सारे आपके हमारे सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो कि प्रेडिकेट है वो कहलाएंगे। ठीक है, तो आपके जो ये ब्लू वर्ड्स है, जैसा कि जो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो पिंक वर्ड्स है, ये पिंक वर्ड्स वो है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक, बात हो रही है कि उसने लाइट ऑन की। माया के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो बस स्टॉप पे वेट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है, ठीक है, वो वाले पार्ट आपका प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। ओके, ऑन द अदर हैंड द वर्ड्स इन ब्लू कलर इन ईच ऑफ द अबव सेंटेंस इज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। अ प्रेडिकेट नॉर्मली आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, प्रेडिकेट नॉर्मली क्या होता है? क्वेश्चन के आंसर देते हैं, जैसे व्हाट डिड द सब्जेक्ट डू। ठीक है, सिंपली सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो चीजें आपके प्रेडिकेट पार्ट में आती है। ऑल दिस सेंटेंस इन्फॉर्म द रीडर अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट डिड। ये सारे सेंटेंस ये बता रहे हैं
कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो ये जो भी पिंक वर्ड्स है ये आपके सब्जेक्ट है, बिकॉज सेंटेंस में इनके बारे में बात हो रही है। और जितनी भी ब्लू वर्ड्स है ये सारे प्रेडिकेट है, बिकॉज क्या बात हो रही है वो हमें इन ब्लू वर्ड्स से पता चल रहा है। नेक्स्ट, अ प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड। प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताती है। दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, प्रेडिकेट जो है जैसा कि सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, ठीक वैसे ही प्रेडिकेट भी आपका सिंगल वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जो कि सेंटेंस के बारे में कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है कि सेंटेंस जो है वो क्या कर रहा है। जैसे सब्जेक्ट है वो कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, ठीक है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें हमें प्रेडिकेट पार्ट से पता चलती है। सो टू फाइंड हु, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस एंड देन मेक अ क्वेश्चन बाय प्लेसिंग हु व्हाट बिफोर इट। ठीक है, तो प्रेडिकेट पार्ट से पहले अगर ये क्वेश्चन वर्ड लग जाए तो वो एक क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। द आंसर दैट द वर्ब गिव इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेडिकेट पार्ट से हमें वर्ब के बारे में भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज प्लेड क्रिकेट फॉर देयर स्कूल एंड वोन। बॉयज ने अपनी स्कूल के लिए क्रिकेट खेला और वो जीत गए। ठीक है, अब देखिए बात किसके बारे में हो रही है। ठीक है, किसके बारे में हो रही है? बॉयज ने किसके लिए क्रिकेट खेला? स्कूल के लिए, और वो जीत गए। सो द वर्ब इन द अबव सेंटेंस इज प्ले। ठीक है, तो वर्ब क्या है इसमें? प्ले। वर्ब क्या होता है? सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं वो आपका वर्ब कहलाता है। तो बॉयज ने क्या किया? प्ले किया। क्या किया? प्ले किया। तो आपका जो प्ले वर्ड है ये यहाँ पे क्या है? वर्ब। और ये प्ले वर्ड जो है ये आपके प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है। बात किसके बारे में हो रही है? बॉयज के बारे में। इट मीन्स बॉयज क्या है? बॉयज आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे और बाकी का जो पूरा पार्ट है प्ले क्रिकेट फॉर देयर स्कूल एंड वोन ही आपका प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। ओके, तो प्ले क्या है? वर्ब है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रेडिकेट पार्ट है उसी के अंदर वर्ब भी इंक्लूड होता है। नाउ हु और व्हाट प्ले। ठीक है, कौन खेला? बॉयज खेले। क्या खेले? क्रिकेट। सो द आंसर इज द बॉयज। ठीक है, हु प्ले? बॉयज। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो ये भी बताता है, हु जो है उसका आंसर कौन देता है? आपका सब्जेक्ट। हैंस दे आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। द प्रेडिकेट विच goes on the relate something about the subject। predicate जो है वो subject के बारे में ही हमें कुछ ना कुछ information देता है। what about the boys? boys ने क्या किया? they play cricket for their school and phone। ठीक है, तो बहुत ही easily, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि subject क्या होता है। मैं again repeat कर रही हूँ, sentence में जिसके बारे में बात हो रही होती है that part is called subject, और जो बात हो रही होती है डेट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस को आपको दो पार्ट में बताया, एक ही सेंटेंस को दो पार्ट में बताया है ताकि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस समझ सको। ठीक है, जैसे कि देखिए, आई रीड, आई रीड। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है, आई रीड। ठीक है, ये एक सेंटेंस है लेकिन आपको दो पार्ट में बताया है ताकि आप समझ जाए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट। तो बात किसके बारे में हो रही है? आई के बारे में। तो आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और बात क्या हो रही है? रीड की बात हो रही है, तो रीड आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? दे, वे। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड यूज हुआ है, हमने पहले ही पढ़ा है कि सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और
प्रोनाउन भी हो सकता है, तो दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, गर्ल्स जो है वो गाना गा रही है, तो बात किसके बारे में हो रही है, गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स आपका सब्जेक्ट, और क्या बात हो रही है, गाना गा रहे, तो ये आपका प्रेडिकेट। अ रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस, ठीक है, सक्सेस किसे मिलती है, जो रेगुलर और पंचुअल स्टूडेंट होते है, तो बात किसके बारे में हो रही है, रेगुलर और पंचुअल स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये आपका सब्जेक्ट, और गेट सक्सेस आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। द स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, छोटी सुंदर और इंटेलिजेंट गर्ल जो है वो डांसेस डांस कर रही है, ठीक है, तो आपका ये जो पार्ट है, बात किसके बारे में हो रही है, स्मॉल ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट, मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट जो है वो एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड में भी हो सकता है, तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट कहलाएगा और ये आपका प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। सो हम अगेन रिपीट करते हैं कि क्या होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमने आज पढ़ा है एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में, ये जो सेंटेंस है उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, और जो बात हो रही होती है वो पार्ट आपका प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल आपको गिवन है, जो पिंक वर्ड्स है ये आपके सब्जेक्ट है और जो ब्लू वर्ड्स है ये आपके प्रेडिकेट है। तो आपको नोटबुक में जो है हेडिंग डालनी है एलिमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, आपको ये होमवर्क है आपका, ठीक है, आपको नोटबुक में लिखना है। ये लिखने के बाद आपको जो है ये एग्जाम्पल लिखने हैं, ये एग्जाम्पल लिखने हैं सारे के सारे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि ये पूरी है यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है। ये लिखने के बाद आपको प्रेडिकेट की डेफिनेशन लिखनी है, जो कि आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है वो गिवन है, ये आपकी प्रेडिकेट की जो है डेफिनेशन हो जाएगी। ये भी आपका जो है होमवर्क है। थैंक यू सो मच, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।